आज जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया जम्मू के कुजनगर इलाके का जिक्र करते हैं तो ये वही इलाका है जहां पर सर्च ऑपरेशन जो तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे और आपको बताते चले कि बाबा बर्फानी की यात्रा के चलते कई सारी ऐसी धमकियां आपने देखा होगा कि पहले भी मिल चुकी हैं कि कहीं ना कहीं हर एक पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश रहती है कि बाबा बर्फानी की यात्रा में जो है वो खलल डाली जाए और उसी के चलते एक मॉक ड्रिल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो है वो आज यहाँ पर लॉन्च की गई और जिसके साथ साथ जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसर और सीआरपीएफ का अमला यहाँ पर पहुँचा और सर्च ऑपरेशन किया गया। हालांकि ये डेली रूटीन में मॉक ड्रिल की जाती है उसी तरह से आज जम्मू के गुजरनगर इलाके का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर एक मॉक ड्रिल की गई और उस वक्त जो है बड़ी तादाद पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर पहुँचे हुए थे जो इस वक्त तस्वीरें हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डीपीएस का इलाका है, डीपीएस का अगर जिक्र करते हैं तो डीपीएस के बैक साइड ये पूरा इलाका पड़ता है। इस इलाके को जो है वो सर्च किया गया क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा चल रही है तो बाबा बर्फानी की यात्रा के चलते एडमिनिस्ट्रेशन का ये चाहती है कि कोई भी ऐसी कोई गतिविधि ना देखी जाए तो उसी के चलते यहाँ पर एक सर्च अभियान चलाया गया जिसमें आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात थे तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें आपको बताते चले कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है हर एक घर को खंगाला गया और कहीं ना कहीं उनसे डिटेल जो है वो ली गई और आप देख रहे हैं कि बाबा बर्फानी की यात्रा में जो है लगातार पाकिस्तान की या नेपाक कोशिश रहती है कि बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए। और आपने देखा होगा बीते दो दिन पहले रियासी के इलाके का अगर जिक्र करते हैं तो रियासी के इलाके से दो आतंकियों को, खूंखार आतंकियों को, उनको हिरासत में लिया गया और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे कई सारी जानकारियां जो है वो खंगालने की एजेंसियां कोशिश कर रही है मगर आपको बताते चले कि उसके चलते भी लगातार एजेंसियां जो है वो पूछताछ कर रही हैं और बाबा बर्फानी की यात्रा है, यात्रा को पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी रखने के लिए और पीसफुली यात्रा को बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, भारतीय सेना के जवान लगातार तट पर तैनात हैं और आज भी इसी तरह से मॉक ड्रिल की गई जिसमें जम्मू के गुजरनगर इलाके का जिक्र करते हैं जो ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर संयुक्त ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और ये तस्वीरें जम्मू से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे JK247 के लिए, कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से, धन्यवाद।